Now we are going to start a calligraphy class with Nawazish sir. Hello. This is our first block and we are going to write a Mahbub Alam in this copy. The calligraphy is the art of expression. जब लिखना शुरू हुआ तो लोग जो लिखते थे वो कैलीग्राफी ही कहलाता था, जैसे उर्दू से लोग खताती कहते हैं. और ये हर लैंग्वेज, हर स्क्रिप्ट में लिखा गया, देवनागरी में भी लिखा गया, रोमन में भी लिखा गया. और अरबिक कैलीग्राफी जो बहुत पूरी दुनिया में चला और लिखने का जो कला था उसी को हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं. तो उसी कैलीग्राफी को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और आज हम लोग गॉथिक इंग्लिश, गॉथिक जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे लिखेंगे. महबूब आलम और मैं हूँ खुशनवीस और हमारे सर नवाज़िश सर. नवाज़िश हुसैन. हाँ सर, तो सर आप बताएं कि क्या मतलब कैलीग्राफी से जो आपकी मोहब्बत है, इस तरह से आप रात करीबन 2 बजने वाले हैं और आप बिल्कुल पूरे जोश के साथ देख रहे हैं इस कैलीग्राफी को, क्या मतलब इस ऐसी मोहब्बत, इसका वजह क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ की सीखने की जो उम्र और वक्त मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए. अगर आप वक्त तय कर लेंगे या उम्र तय कर लेंगे तो शायद आप सीख नहीं पाएंगे. बिल्कुल. तो आज एक मौका मिला है, ऐसा कोई इंटेंशनली ही आज मैं जाग रहा हूँ और बहुत ज़्यादा नींद भी आ नहीं रही है, तो ये एक अच्छा मौका है कि बजाय मोबाइल में टाइम दिए, इट वुड बी मच बेटर फॉर मी टू लाइक स्पेंड टाइम इन लर्निंग समथिंग न्यू. सो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग थिंग इन माई लाइफ दैट आई एम गोना लर्न कैलीग्राफी फ्रॉम नसर. लगता है कि आपने आपने जब कैलीग्राफी शुरू किया तो आपका यू डिड नॉट हैव एनी पर्पस ऑफ मेकिंग मनी, राइट? यस. इट वाज ऑल अबाउट योर क्यूरियोसिटी, इट वाज ऑल अबाउट योर लाइक इंटरेस्ट. तो वो इंटरेस्ट आज आपको मतलब मैं एक चीज दिखाता हूँ, पहले की जो कैलीग्राफी इनकी थी, ठीक है, तो वो और अभी में कितना फर्क आ गया आप देख सकते हैं. ये एक बस डेमो, यू नो, कैजुअल राइटिंग ये कर रहे थे, बातें हम लोगों की हो रही थी चाय पर और ये लिखे जा रहे थे. तो बहुत कम समय में इतने अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है. तो इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो है, हजार साल लड़की सपने बेनूरी पर रोती है, आपको पता होगा. तो खैर, अब आप उसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला. इकबाल का जो शेर आपने पढ़ दिया वो कुछ ज्यादा हो गया मेरे लिए. बस एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, मतलब इकबाल का शेर के सामने मुझे खड़ा कर दिया, वरना सूरज की रोशनी के सामने दिया को जलाने के बराबर है. फिर भी मेरी एक छोटी सी कोशिश, कैलीग्राफी जब मैं सीख रहा था तो मैं रात को अगर 12 बजे पेन लेकर के बैठता था, सुबह 6 बजे कैलीग्राफी करता था. तो आर्टिस्ट और आर्ट, आर्ट वैसे चीज है जिस पर आप थकते नहीं है कभी, तब वो आप उसे अपना पैशन कह सकते हैं, तब वो आर्ट होता है. आप थक गए, आपका कमर दर्द देने लगा, तो फिर आप जमाने को उल्लू बना रहे हैं आप, फिर आप वो आप में वो लगन नहीं है, इसलिए आपको उस लगन के साथ शुरू करना होगा. तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट महबूब आलम. फर्स्ट ऑफ ऑल बातें होती रहनी चाहिए, आई थिंक अगर व्यूअर्स देख रहे हैं जी, तो यहाँ पे बातें होती हैं. आप बिल्कुल बिल्कुल आप महबूब आलम लिख रहे हैं, मैं बता दूं, महबूब आलम जिनका नाम हम लोग लिख रहे हैं, ये IICC के डायरेक्टर हैं, फैशन डिजाइनिंग का इनका इंस्टीट्यूट चलता है मेन रोड में और सोशल वर्क में काफी इंगेज रहते हैं. ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप इसे ऐसा ना समझे, हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं किसी चीज को लेकर. ये मोहब्बत है, एक प्यार है. आप चाहें तो आप भी अपना नाम बताएं, आपका भी हम नाम उसी मोहब्बत के साथ लिखेंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप अपने नाम खुशनवीस यूट्यूब पेज पे या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं. यस सर, जितने अच्छे तरीके से आप बातों को बता रहे हैं कैलीग्राफी के बारे में, शायद हम वैसे चीज़ों को बता पाते हैं. तो आपके साथ नवाज़िश सर हैं, आप जुड़े रहें, ये लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ भाई जी. तो स्टार्ट करते हैं महबूब आलम को लिखना. और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट द नेम यूजिंग अ गॉथिक स्क्रिप्ट ऑफ कैलीग्राफी. द नेम ऑफ दिस पेन इज अ पायलट पैरेलल पेन. यू कैन राइट कैलीग्राफी विद दिस पेन. अप्रॉक्स 6.0 mm ऑफ नीब. And you will have to hold this pen. Hold in, no. 45 degrees. First you will have to pen dip the pen in ink, and you will have to hold 45 degrees. First of all, you have to draw a 90 degree line, and second is a horizontal 180 degree. The pen of angle this pen is a 45 degree, and try to write M. Okay.
आप हिंदी सीख सकते हैं, बेसिकली इंग्लिश सीख सकते हैं आप, तो इट कैन बी इन एनी फॉर्म, आप हिंदी इंग्लिश अरबिक में भी किसी में सीख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप एक कला सीख जाते हैं तो आप ये कई जनरेशन तक वो लीड करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी बात से कैलीग्राफी जो है मेरे नाना करते थे, बहुत शानदार कैलीग्राफी करते थे वो, हालांकि उन्हें लोग उस वक्त पे उतना क्या बोला जाए मोहब्बत और उस चीज़ों को मतलब कबूलियत नहीं थी, क्योंकि उस जगह पे थे, वहाँ पे लोगों को उतना कदर नहीं था इस चीज़ों का। और फिर उनसे मेरे मामू हैं जिशान मामू, वो सीखे, फिर उनसे मैं सीखा ये कैलीग्राफी को। तो ये दर मुझे लगता है ये ऐसे ही चलता रहता है, एक सिलसिलावार चलता रहता है। हाँ सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। ओके, हाँ, एंड देन जैसे कि मैं बताया था, फिर एक हम लोग छोटा सा रूप बनाएंगे इसका। देखिए, इस सर्कल को बनाना इतना आसान नहीं है, आपका दिमाग काफी बार सर्कल करेगा, तो श्योर ऐसा नहीं आप अभी पेन उठाएं और फौरन कैलीग्राफी करना सीख गए, बट या इट टेक्स टाइम, लेकिन हो जाएगा। मैं भी सीख रहा हूँ, एंड आप देख सकते हैं कुछ खराबियों के बाद मैंने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके कुछ कुछ इस तरीके से आप देखें ट्राई किया, मैंने तो कुछ सीख रहा हूँ। फॉर आवर व्यूअर्स, अगर आप शुरू कैलीग्राफी बहुत मतलब बिगनर्स है आप, तो कोशिश करें कि पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए चले और साथ में फिर लेटर को लिखे, उससे क्या होगा कि स्ट्रेट आप चीज़ों को लिख पाएंगे वो चीज़ को, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ऐसा नहीं कि चार पांच पेजेस अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बोले यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। जैसा सर बताया कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये महबूब आलम नाम जो है मैं खुद लिखते लिखते परेशान हो गया हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि फ्रस्ट्रेट हो गया, शायद ये 10वीं बार मैं लिख रहा हूँ महबूब आलम। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है, आप कैलीग्राफी से ऑब्जर्वेशन सीखते हैं, आप कैलीग्राफी से डिजाइन सीखते हैं, चीजों को सजाना सीखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, इससे आप कई सारे चीजों में फिर आपकी रुचि जो है वो बढ़ते चले जाती है। एम जो है मुकम्मल होने को है, डिफरेंट कलर इस्तेमाल किए गए हैं, इस तरह से हम लोग पहला लेटर जो एम है वो कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वेरी फैंटास्टिक, और ये प्रॉपर एक सीधा लिखा गया है, इसके जो कैलीग्राफी के जो उसूल होते हैं, जो आदाब होते हैं, उन सब पे बिल्कुल खरा उतरता है ये। और ये लेटर एम है जो गौतिक कैलीग्राफी का है। चलिए, एम के बाद आलम का जो नेक्स्ट लेटर है वो ए है, तो हम लोग ए लिखते हैं, तो नेक्स्ट लेटर हम लोग यूज करेंगे सर वो रेड पेन से यूज करते हैं। ओके, एक और चीज भाई मैं बताना चाहूँ आप, चूंकि बोर नहीं होने चाहिए, हमारे यहाँ काफी बढ़िया यहाँ पर सेटअप है, मतलब एक एम्बियंस, एक माहौल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी है जो अभी मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूँ, जो बिल्कुल एक फील दे रही है कि आप कैलीग्राफी के माहौल में है, यू नो, विंटेज लाइट है एंड खुशबू भी यहाँ पर है, सेंस स्टिक वगैरह जल रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी खुशनुमा माहौल में हम इसे लिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि टाइम का एक अच्छा यूटिलाइजेशन है, हालांकि रात में किया जा रहा है, बट ये रेयर ही ऐसा होता है कि रात में जागते हैं एंड करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक ओकेजन आज बन गया जिस पे हम लोग बैठ गए सर। छत दिया है उसी एंगल से इसका बेस भी दिया, ये अगर इस तरह से 45 डिग्री को पकड़ करके अपनी लाइन खींच रहे हैं और सेकंड लाइन को फिर ऐसा पेन को टेढ़ा कर देते हैं, तो फिर जो लुक है वो नहीं आएगा। आप अगर पेन को 45 पकड़े फिर कंप्लीट उस पूरे स्क्रिप्ट को आप कंप्लीट कीजिए 45 डिग्री से, तब आप एक खूबसूरत कैलीग्राफी लिख पाएंगे। तो सर कैसा है ये? जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त। थर्ड लेटर एच है, तो कोशिश करेंगे सर ज्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे हम लोग इसको, और यहाँ से ला करके एक छोटा सा डांस देंगे हम लोग, और फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ओके सर। ओके, आर यू एंजॉयिंग? या आई एम एंजॉयिंग वेरी मच। बेसिकली आपने पहली दफा कैलीग्राफी कब मतलब उसको करीब से कब देखा, कैलीग्राफी के बारे में आपने कब सोचा कब पहली बार? एक्चुअली बहुत आइडिया तो नहीं था मुझे इसके बारे में और ना ही उतनी रुचि थी, बट एक बार हुआ यूं कि वो चूंकि पहले तो देखता ही था, यू नो, बट
उस सोच के साथ इंटेंशनली नहीं देख रहा था कि भाई ये कैलीग्राफी है, कैसे होता है कैसा नहीं होता है, बस अच्छे लगे। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपका ही कैलीग्राफी देखा, और वहीं से आप इंस्टाग्राम में शायद या फेसबुक में कहीं पे एक नाम लिखा हुआ आया था, जहन में तो नहीं है क्या नाम है, तो वहां पर से मुझे ऐसा लगा कि भाई ये हमारे शहर का ही कोई है जो कैलीग्राफी को प्रमोट कर रहा है लोगों के बीच में। उसके बाद कई और भी लोग फिर कैलीग्राफी को सीखना हाँ, पसंद करने लग गए हैं, ऑर्डर्स वगैरह आने लग गए थे आपको, तो वहां पर से मुझे रुचि जागी। और इनफैक्ट मैंने भी कई लोगों के आपसे नाम लिखवाए हैं अपना, इनफैक्ट नवाज निश्वी को भी आपने लिखा, राइट? तो वहां से शुरू होती एच कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट सेट हम लोग अभी लिखने वाले हैं। So, you know, it is the design and execution of lettering with a pen, you know, ink, brush. So, I think, you know, writing instrument and ये एक कैलीग्राफी प्रैक्टिस की चीज है, राइट? एक स्किलफुल मैनर में आप इसको जब करते हैं तो काफी सुंदर लगता है ये देखने में। आप इसको गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते जैसा हैं। कि आपने बताया कि कैलीग्राफी आप मतलब मेरे मेरी कैलीग्राफी को आपने देखा जी था। मैं 2015 हाँ मैं दिल्ली गया था, तो रेखता के प्रोग्राम में मैं गया, तो वहाँ पे मैं कैलीग्राफी करते हुए एक बंदे को देखा। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। विद इन 5 मिनट्स ही वाज अर्न 300। तो ये एक इनकम भी हो सकता है लोगों का, जी जी राइट? जी एक सोर्स बन सकता है इनकम का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंसान की जो टैलेंट है, इंसान का हुनर कभी बर्बाद नहीं जाता, कभी जाया नहीं जाता। आप कहीं ना कहीं लोगों को खुश कर पाते हैं, इन सारी चीजों से खुशियां दे पाते हैं, गिफ्ट में भी आप, बर्थडे गिफ्ट हो चाहे किसी भी तरीके का गिफ्ट में भी आप इस कैलीग्राफी को भेंट दे सकते हैं। कंप्लीट कंप्लीट जो कैलीग्राफी है वो सिर्फ है कि पेन को आपको एक एंगल में पकड़ने जाना है, और एक स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा लाइन, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब इसी चीज को आपको एक तरतीब अरेंजमेंट के साथ रख देना है, एक बहर, एक लय, और बिल्कुल नज़ाकत के साथ इसे पूरा करना है। बिल्कुल। और एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो कोशिश करें कि ओवर राइट ना करें। एक बार अगर आप लाइन खींच दिए तो वो आपका कंप्लीट लाइन होता है, उस पर अगर दोबारा आप लाइन खींचेंगे तो वो फ्लेवर वो नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा फिर कलर फैलने लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। कैलीग्राफी करना सीखना जब पास में चाय हो तो इसका मजा और बढ़ जाता है। हाँ वो तो बात है, मगर चाय हमारे पास नहीं है, तो इसी बीच हम लोग को एक शेर सुनाएंगे सर। अर्ज कीजिए सर। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुम्बद। हालांकि वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है, तो जिस तरह से आप बोले जी मैं पानी लेकर आ। थैंक यू सर। वेल, काफी सर्द है, मैं यहाँ पे शॉल ओढ़ा हुआ हूँ। इस शॉल का मतलब आजकल अगर मैं युवाओं को दिखाऊं तो फौरन मेरे शॉल पे मोए मोए बन जाएंगे और कहेंगे तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? भाई मेरे हाथ वाथ है, मोए मोए की जरूरत नहीं है।